BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान सदर के बरहन पंचायत में है। बरहन पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार संतोष कुमार यादव हैं, जिनको चुनाव चिन्ह है, जो टेम्पू छाप मिला हुआ है, इसको लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। पूरे पंचायत का भ्रमण करने के लिए एक रैली निकाले हुए हैं। आपको बताएं कि 29 तारीख को चुनाव होने को है, जिसको लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। संतोष जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर जी आपके चैनल को, हमारी तरफ से, हमारे पंचायत की तरफ से। सबसे पहला सवाल ये है कि आज पूरे पंचायत का भ्रमण करने एक रैली लेकर के निकले हैं, क्या लग रहा है ये भीड़, ये रैली वोट में तब्दील होगा? सर, ये हमारी जनता जो है सबको जवाब देगी। हमारे जो विपक्षी जो हमारे सामने है, सबको मुँह तोड़ जवाब देगी। हम लोग का लक्ष्य यही है कि अपने पंचायत को निर्मल पंचायत बनाएं और भय मुक्त कराएं। क्या कुछ अपील करेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र के लोग से, अपने जनता से अपील करेंगे कि अपने पंचायत जो भय मुक्त है, जो लोगों को डर भरा हुआ है अंदर, उसको निकालना है। चलिए, तो कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, क्या लग रहा है ये जो भीड़ है वोट में तब्दील होगा चुनाव के? आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने हमारे श्रोता और मेरे गार्जियन अभिभावकों को मेरी तरफ से आदाब प्रणाम सलाम। और बरहन की जनता एक जंजीर में जकड़ी हुई है कि जो जंजीर को हम लोग अब तोड़ने जा रहे हैं। जनता, बरहन गोपाल की जनता अब मन में ठान ली है कि इस जंजीर को हम लोग तोड़कर रख देंगे। और हमारे जितने हमारे क्षेत्र की जनता और बरहन गोपाल की जनता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि भय मुक्त, अगर आप अपने आप को महसूस करना चाहते हैं तो आप संतोष जी को आप लोग वोट करें। और 5 नंबर पर टेम्पू है, टेम्पू छाप पर बटन लगाकर इनको भारी मत से आप लोग विजयी बनाएं। ये जो भय की बात कर रहे हैं, किसकी भय है? ये जो इनके विरोधी हैं, इनके साथ जो विरोधी लड़ रहे हैं, कौन है? रामायण चौधरी, और उनके द्वारा लोगों को डरवाया धमकाया जा रहा है कि वोट नहीं दोगे तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो डर इन लोगों को सता रहा है। ये उस डर को ये तोड़ेंगे और जनता को भय मुक्त बनाएंगे। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कितने लंबे काफिले के साथ आज रैली में निकले हुए हैं। क्या लग रहा है चाचा, ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगा? ये दो वोट में तब्दील होगा, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ का बदलाव हो। बदलाव चाहते जी? बदलाव, इस बार सरकार बदलेगी पंचायत, एकदम बदलेगी सरकार। चचा, क्या कहिएगा? संतोष जिंदाबाद, हमारा वो है। आपको बताएं कि सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बरहन पंचायत से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां के भावी उम्मीदवार जो है मुखिया पद के, जो कि आपको बताएं संतोष कुमार यादव जो है, वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और भी हम आपको सिवान सदर के बरहन पंचायत से दिखा रहे हैं, जहां के मुखिया पद के उम्मीदवार संतोष कुमार यादव जो हैं, वो पूरे लंबे काफिले के साथ पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपने हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ऑटो है, साथ में बाइक की रैलियां निकली हुई हैं, और रैलियों के साथ आज लोगों के बीच जा रहे हैं, पूरे पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हम दिखाएंगे अलग अलग पंचायत से। 29 तारीख को चुनाव होने को है, जिसको लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।